सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स। मैं हाँ प्रबलीन कौर। लुधियाने दे विच एक नामी रेस्टोरेंट दे विच कंप्लेंट जिहड़ी आ उसके खिलाफ दायर की गई सी, जिथे की हेल्थ डिपार्टमेंट उत्थे पहुँचता है, जांच जिहड़ी की जाती है। उस दे विच कंप्लेंट दे विच कहा जाता है कि इन्हां दे जिहड़े समान आ उस दे विच कीड़े पाए गए ने, तां उस दे विच जांच की जाती है। अधिकारियों के वल्लों पहुँच के ते सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, तो जिस तों जिस बाद स्टाफ नूं बुलाया जाता है, पर स्टाफ उत्थे कोई भी हाजिर नहीं हुंदा। तां अगर दस दिंदे आ कि वीडियोज़ दे विच तुहानूं दिखावांगे किस तरीके दे नाल उन्हां दी किचन दी पूरी तरीके दे नाल जांच की जाती है, ते नाल दे नाल अधिकारियों वल्लों यह भी कहा जाता है कि इन्हां दी किचन दे विच बिल्कुल भी साफ सफाई जिहड़ी आ नहीं होई सी, ते जिस दे कारण कीड़े मकौड़े उत्थे काफ़ी देखण नूं मिले, जिस तों बाद अधिकारियों दे वल्लों उस साफ सफाई दे तहत जिहड़ा कि उन्हां उत्ते कार्रवाई की जाएगी। तां जदों होटल दे मालक नूं उत्थे बुलाया गया मौके ते, तां होटल दा मालक जिहड़ा है उत्थे सामने पेश नहीं होया। इस दे नाल दस दिंदे आ कि जिहड़ी कंप्लेंट दायर की गई सी कि इन्हां दे खाण दे समान कीड़े निकल रहे हैं, जिस तरीके गल की जा रही थी बेसन के कीड़े निकल रहे हैं, पर जो अधिकारियों की स्पष्टीकरण सामने आता उन्होंने वालों कहा जाता है कि इस तरीके का उन्होंने कुछ भी नहीं मिले। पर तुम वीडियो दिखाने किस तरीके दे नाल बेसन के जिहड़ा कि दिख रहा है कि कीड़े मकौड़े चल रहे हैं, और इन्हों वालों तेल का सैंपल लैके उतों की इकट्ठा किया गया, जिस कहा गया कि तेल जिहड़ा क्रिस्टल क्लीयर नहीं, जिसकी जांच की जाएगी। तो यह भी कहा गया कि अगर इस कोई बीमार होंदा है उसकी कार्रवाई भी जिहड़ी की जाएगी। अधिकारियों वालों पूरे मामले की जानकारी देते हुए की कहा जाता वह भी तुहानूं सुनाने, तस्वीर दिखाने उस रेस्टोरेंट दियां, जिस दे विच जिहड़ी साफ सफाई तुसीं देख सकते हो किस तरीके दे नाल रखी हुई सी। किचन दे विच कीड़े जिहड़े ने उह चल रहे सी, कॉकरोचेस देखण नूं मिल रहे सी, ते अधिकारियों दे वल्लों इह जिहड़ी इह जानकारी भी सांझी की जाती है, ते इस तरीके दे उत्ते जांच जिहड़ी है किस तरीके दे नाल की जाएगी। मोबाइल तो थोड़ा पीछे कर लो, यार बेची रखे मोबाइल तो तुम्हें ये तुम्हारे हाथ से पकड़े गए, तुम्हारे हाथ से पकड़े गए ये बेचे हैं, ये कहाँ से लिया था आपने? सर मैं इस बारे में नहीं जानता। अच्छा, तो ये ऑफिस से यहीं से लिया था? मैं फ्लोर की सफाई करता हूँ, मैं बर्तन भांडे का काम करता हूँ, धोने का काम करता हूँ। पकौड़े किस दुकान? वो सिर्फ स्टाफ जान सकता है। मैं यहाँ से इसी पकौड़े बनाए जा रहे थे जी, पता नहीं। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार गौतम। नीचे पकौड़े बनते हैं तो नीचे तैयार होने चाहिए ना, ऊपर कैसे तैयार कर रहे हो? फ्रिज भी हम साफ कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? इमरान। आप ये रेस्टोरेंट कौन सा है? विश बाबू के। कहाँ पे है? ये फिरोजपुर रोड पे। यहाँ पे आज जो खाने पकोड़े थे उनके जो मैदा था उसमें थे कोई जानवर पाए गए हैं, है ना, जो कीड़े मकोड़े पाए गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए क्या होता है ना कि मैदे में जो बेसन होता है सर, हाँ जी, बेसन में मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा क्या चीज़ हो गया कि जो ये आ गया था तो वो छान के उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, कि कभी कभी हो जाता है या तो एक्सपायरी डेट नहीं होने की वजह से भी उसको कभी कभी मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। दे डिड द मिस्टेक्स की दे आर यूजिंग इन द किचन, दे हैव टू क्लीन फर्स्ट, देन दे कैन यूज दैट वन, वो यूज़ किए उसके बाद में, तभी इसकी वजह से ये हुआ है सर। लेकिन जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनका कहना था कि जो खाने के पकोड़े थे उसमें भी स्मेल आ रही थी, उसमें भी जानवर दिख रहे थे मरे हुए, जो प्लेट खराब थे। नहीं सर, कईयों की सेहत भी खराब हुई है। नॉट लाइक दैट सर, क्योंकि क्या चीज़ है सर कि आप लोग अपनी गलती मानते हैं? हाँ सर,
उसमें तो गलती है, गलती तो ही है, they did the mistake on that one, sir. जिन लोगों की तबीयत खराब है उनकी जिम्मेवारी लेते हो? सर तबीयत खराब नहीं हो सकता क्योंकि वी आर यूजिंग द फ्रेश वन सर. ठीक है, नहीं यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं, आप डॉक्टर हो, आपको पता है उससे तबीयत नहीं खराब होगी? नहीं. और दूसरा आपको बता दें कि जो जो किचन है उसके भी हालात देखे गए, काफ़ी गंदगी है अंदर, स्मेल आ रही है, जबकि अब जब ये शोर मचाया इस चीज़ का तब सफाई करनी शुरू की गई है, उसके बारे में सर मैं आपको मानता हूँ कि सर उनकी गलती है सर कि दे डिड द मिस्टेक्स ऑन दैट एंड वी आर रेक्टिफाइंग दैट वन कि वो क्लियर हो जाएगा सर. ठीक है, तो अंदर सर देखिए क्या चीज़ होता है ना कि जो बेसन होता है सर, बेसन हो या मैदा हो या सूजी हो ये तीनों चीज़ों को सबसे पहले हम छन्नी से छानने का प्रोसेस होता है सर, कि अगर कोई चीज़ भी है डस्ट होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऐसा है कि जिसमें ये चीज़ नहीं होता. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर को हम लोग पहले छन्नी से छान लेते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसेस होता है सर. अंदर कई जगह शराब की बोतलें भी खाली मिली हैं, जहाँ पानी देते पिलाते हैं वहाँ पे नीचे शराब की बोतलें, सोडे की बोतलें मिली हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पानी लगता है बेसन है सर, ये सर देखिए बेसन हम लोग बनाते तो नहीं है सर. नहीं नहीं लग रहा है बेसन ही आ दिखा रहे हैं, यही मौजूदा जरा ये है. हाँ सर ये तो गलती है सर, मेहमान तो होना सर, गलती है, प्याज काले शाह पे नींबू गले सड़े नींबू. तो आप जो कहते हो भी शराब की बोतलें पड़ी हैं, जहाँ पानी जहाँ पिलाते हैं वहाँ पे सोडा भी पड़ा है, उसके बारे में क्या कहते हो आप, वो क्यों पड़ा है यहाँ पे? सर वो तो देखिए वो हमें अवेयरनेस नहीं है सर. ठीक है जी, अगर अवेयरनेस नहीं आप लोग में तो चला क्यों रहे हो? मैं क्या जवाब तो दे दीजिए भैया कि जो शराब की बोतलें पड़ी हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर हमारे यहाँ लीकर लाइसेंस है सर, लीकर हमारे कहीं भी रख सकते हो फिर आप? नहीं वो खाली बोतल होगा सर, खाली तो नहीं बियर बार तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, जबकि वो पड़ी फर्स्ट फ्लोर पे है. वो ही ओनर है जो आपके हैं, जो आपके ओनर कौन है इस सर? आई एम नॉट अवेयर. आप मैनेजर हो लेकिन आपको आप तब भी आपको पता नहीं भी जहाँ पे मैनेजर आपको सेल तेरे से पर्चा दर्ज होना है, उठते नहीं होना है. क्या नाम है जो ओनर है सर? उनका नहीं, नाम ही नहीं बताया. जो आपके पीछे खड़े हैं वही है ओनर? नहीं. ठीक है, चलो ठीक है भैया. और वधेरी अपडेट्स लिए तुसी देखते रहो लुधियाना टाइम्स.